नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी सिंह और आप सबका स्वागत करती हूं बिलीव इट में। तो विश्वास कीजिए, आपकी लाइफ वैसे होने वाली है जैसी आप चाहते हो, बिल्कुल वाव और वंडरफुल वाली लाइफ। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूं कि कैसे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, कैसे आप जो चाहे अपनी लाइफ में वो पा सकते हैं। अगर आप इस बात को समझ गए ना, तो बहुत ही मजा आने वाला है, फिर आपकी लाइफ ना ऐसे मजे वाली हो जाएगी। तो बहुत ही एक सिंपल सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ये स्टोरी अगर आप समझ गए ना, तो बस बात तो वहीं खत्म हो जाने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं ये स्टोरी। तो ये एक इंसान है जो कि एक गांव में रहता है, और उसके गांव के बहुत ही थोड़ा पास में एक बहुत ही फेमस मंदिर है। तो ये जो मंदिर है ना, मतलब यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, और अभी तक उसने कभी वहां पे दर्शन नहीं किया। तो उसे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कि यार मुझे भी यहाँ पे दर्शन करना है। और एक दिन वो अपना मन बना लेता है कि यार मुझे तो यहाँ जाना ही है, मुझे तो यहाँ पे दर्शन करने ही है। कल मैं यहाँ पे जाऊंगा और उस मंदिर के दर्शन करूंगा कि वो मंदिर कैसा है। तो वो सुबह जल्दी उठ जाता है, बोलता है मैं रात में ही चल के वहां पे दर्शन करने चल जाऊंगा, थोड़ा दूर भी है और फिर मुझे पैदल जाना भी है। तो वो उठ जाता है और एक लालटेन ले लेता है और चलने लगता है। और जैसे जैसे वो आगे जाता है, वो देखता है यार बहुत अंधेरा है, बहुत ज्यादा अंधेरा है, और उस लालटेन की रोशनी से उसका कुछ काम हो नहीं रहा है। बट वो आगे चलता है, फिर बोलता है कि नहीं, इस रात में तो मैं इस मंदिर तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो ऐसा करता हूँ कि मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, सुबह तक का वेट कर लेता हूँ, जब सूर्य उदय हो जाएगा मैं तब अपना डेस्टिनेशन अचीव कर लूंगा, मतलब मंदिर के दर्शन कर लूंगा। और वो वहीं पर बैठ जाता है, और जस्ट उसके थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ा आदमी वहां पीछे से आ रहा होता है और वो उसके आगे निकल जाता है। वो बोलता है भाई कहाँ जा रहे हो इतने अंधेरे में? तो वो बोलता है कि मंदिर के दर्शन करने जा रहा हूं। उसके हाथ में होता है एक छोटा सा दिया, और वो बोलता है तुम इस दिए के साथ उस मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हो? तो वो बोल रहा है हाँ। तो वो बोल रहा है मेरे पास ये लालटेन है और मैं अभी तक वहां दर्शन करने के लिए नहीं जा पाया, क्योंकि रोशनी बहुत ही कम है, अंधेरा बहुत ज्यादा है, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा, और तुम इस दिए के साथ वहां पे कैसे पहुंचोगे? उस आदमी ने इतनी अच्छी बात बोली, उसने बोला कि हाँ दिए की रोशनी बहुत कम है और इसके साथ वहां पहुंचना भी थोड़ा मुश्किल है ऑब्वियसली, बट जिस तरीके से मैं एक कदम बढ़ाऊंगा वो दिया भी तो मेरे साथ एक कदम बढ़ाएगा। तो वो जो रास्ता है, जिस अंधेरे से वो डर रहा है, वो रास्ता क्लियर होता जाएगा। मैं एक कदम बढ़ाऊंगा और दिया भी मेरे साथ एक कदम बढ़ाएगा, मतलब उजाला भी मेरे साथ एक कदम बढ़ाएगा, और इस तरीके से मैं वो जर्नी क्रॉस कर लूंगा, मैं उस अपने गोल तक, मैं उस अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊंगा। तो दोस्तों, ये बहुत सिंपल सी स्टोरी है, शायद अजीब भी लग रही हो बहुत सारे लोगों को, बट इतना मीनिंगफुल लगा मुझे जब भी मैंने ये, मैं आपके साथ स्टोरी इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि स्टोरीज ऐसी चीज होती है जो इंस्पायर करती है। और ये जो भी स्टोरीज पहले बनी है वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ से ही निकली हुई होती है। तो यहां पर दोस्तों, उस आदमी ने जो रुक गया, जो एक लालटेन की रोशनी को कम समझ रहा था, वो भी उसी डेस्टिनेशन पे जाना चाहता था जहां वो बूढ़ा आदमी जाना चाहता था। दोनों के पास कुछ ना कुछ एक साधन थे जहां लाइट आती। एक के पास थोड़ा बेटर ही साधन था, दूसरे के पास साधन इतना अच्छा नहीं था, बट उसका क्या माइंडसेट था कि मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा और ये रोशनी भी मेरे साथ। ऑब्वियसली रोशनी बहुत कम थी, बट जब वो एक कदम आगे बढ़ा रहा है उस गोल तक पहुंचने के लिए, रोशनी भी एक कदम बढ़ा रही है। बट इस आदमी ने पहले ही ये डिसाइड कर लिया कि आई कांट रीच, मैं नहीं पहुंच सकता, मैं उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जो मेरा गोल है वो बहुत दूर है, क्योंकि वो जो गोल है वहां पे कोई रोशनी नहीं है। तो दोस्तों, रोशनी तब आती है जब आप अपने जीवन में हर एक स्टेप को अपना गोल समझते हैं। तो कोई डेस्टिनेशन नहीं होता, कोई गोल नहीं होता दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि हर एक स्टेप आपका गोल है। हर एक स्टेप उस मंदिर तक पहुंचने का, हर एक स्टेप एक गोल था, और हर एक स्टेप पे वो रोशनी तब आएगी जब आप एक स्टेप आगे बढ़ाओगे, दूसरा स्टेप आगे बढ़ाओगे। हम, क्योंकि हमें लगता है कि ये रोशनी कम है, ये सोचकर हम वहीं बैठ जाते हैं और हम नेक्स्ट स्टेप उठा ही नहीं पाते। इसीलिए दुनिया में हजारों लोग जो थक हार के बैठ जाते हैं, जो सोचते कि नहीं होगा,
वो इसलिए बैठ जाते हैं क्योंकि उनको वो जो रास्ते का जो उजाला है वो बहुत कम दिखाई देता है और वो वहीं रुक जाते हैं। वो सोचते हैं ठीक है कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे, और वो वहां तक कभी नहीं पहुंच पाते। बट अगर आपने ये समझ लिया कि मेरा एक स्टेप हर उस उजाले की तरफ है जो मुझे अपने गोल तक लेके जाएगी, तो आपको कोई भी आपके गोल से हटा ही नहीं सकता। आप उस गोल तक बहुत आराम से पहुंच जाओगे। बट हमारे हार, मन की हार बोलते ना, मन की हार है, हारे हार है और मन के जीते जीत। तो जब आपके मन ने बोल दिया कि मैं नहीं पहुंच सकता, मुश्किल है, बड़ा है, लंबा है रास्ता, उजाला भी नहीं है, और वो वहीं रुक गया। बट जिस दिन आप हर एक स्टेप इस तरीके से लेने लगे कि वो हर एक स्टेप आपका गोल बन जाएगा, और उस दिन आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और जिंदगी दोस्तों किसी गोल तक, किसी अचीवमेंट का नाम नहीं है। आपको क्या लगता है, अगर आपने कोई एक चीज पा ली तो वो वहां खत्म कभी नहीं होगी, उसके बाद आपको और कुछ चाहिए होगा, और उसके बाद आपको कुछ और चाहिए होगा। तो जिंदगी में हर एक स्टेप को इस तरीके से जीना है कि मजा आ जाए। ऐसे नहीं कि हाँ यार हो नहीं पा रहा है ये वो, बस मुश्किलों को गिनाते रहें। ये मुश्किलें ही आपकी जिंदगी हैं, ये ही आपके जीवन में एंजॉयमेंट लाती हैं। हर एक स्टेप को गोल बनाइए, हर एक स्टेप के साथ मजे लीजिए, हर एक स्टेप को जिए पूरी तरीके से। ये मत सोचिए कि मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा, कैसे, अब बहुत आराम से पहुंच जाएंगे अगर आप समझते हैं कि वो हर एक स्टेप मेरे लिए एंजॉयमेंट है। तो दोस्तों जिए तो ऐसे जिए, और अपने गोल, अपने आपके अचीवमेंट आप हमेशा ही पूरे कर पाएंगे। थकिए मत, हारिए मत, एंजॉय कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ओम शांति।